जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मैकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने दो प्रश्नमालाएं अच्छे से हल कर ली है। अब हम पढ़ रहे हैं तीन प्रश्नमाला अपने हल कर लिए है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसको हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आइए हम चलते हैं उसी वीडियो को आगे लेते हुए, जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि दो चर कौन कौन से होते हैं। जैसे देखो, आपके सामने एक्स और वाई के रूप में कोई समीकरण आ गई तो ये दो चर वाला कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखो, एक और दो दोनों अलग अलग चर आ गए, चर राशियां होती है ये। ए से लेके जेड तक जो भी आपके सामने स्पेलिंग आएगी वो सारी किसमें आती है, चर राशियों के अंतर्गत आती है। तो देखो, चर राशि हो गई, कितने हो गए, एक और एक दो। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला समीकरण तो है ये, लेकिन ये देखना है कि रैखिक है या नहीं। तो रैखिक का मैंने बताया था कि ऐसी समीकरण जिसकी घात एक हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक, वह कहलाता क्या, रैखिक समीकरण। मान लो बराबर में कुछ संख्या अचर पद दे दिया आपके सामने, बराबर में क्या दे दिया, अचर पद। या कई बार आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, या आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी इस दो के यहां आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको केवल उस चर पद की घात देखनी है। अगर घात एक चल रहा है तो वह कहलाता है सरल रेखीय, यानी रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा, तो ये हमने पिछली वीडियो में विस्तार से समझ लिया था। अब हम चलते हैं ग्राफीय में। इसमें दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण, ये प्रश्न वाला, इसके अंदर ग्राफ आते हैं। अब ग्राफ किस प्रकार से आते हैं वो अच्छे से यहां पर समझना। देखो, ध्यान से देखना, जैसे हम आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, अच्छे से देखना, पूरा समझ में आएगा। देखो, ये अपने पास एक ग्राफ होता है। ठीक है, ये कौन सा अक्ष होता है बेटा, एक्स अक्ष होता है, और ये कौन सा होता है, एक्स डैश। ओके, और ये वाला होता है बेटा वाई एक्स, और ये वाला मेरे पास होता है वाई डैश। ये वाला होता है नीचे वाला, कौन सा, वाई डैश होता है ना। अब देखते हैं, यानी हम प्रश्न वाला 4.3 हल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्यों केवल एक ग्राफ का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो समझिए आपके 4.3 और 4.4 आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो, आप यहां पर चौराहे पे खड़े हैं, ये मैंने आपको बात शायद पहले बता दी। यहां देखो, जैसे आपका जो मूल बिंदु है जहां पर आप खड़े हो, यहां पर इसका निर्देशांक होता है, इसका नाम होता है 0, और इसका निर्देशांक कितना होता है बेटा, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मतलब होता है जहां से आप काम के स्टार्ट करने जा रहे हो, जहां से आप काम की स्टार्ट करने जा रहे हो। तो इसका निर्देशांक 0.0, यानी एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। ठीक है, तो ये देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर लगा दिया माइनस का। ठीक है बेटा, कोई जरूरी नहीं है, सामान्य संख्या लिखो आप कहीं तक भी छोड़ सकते हैं। मान लो आप ये, आपने यहाँ पर छोटा सा ही बनाया तो आप 4 तक भी जा सकते हैं, जितनी आवश्यकता है आप उतना ही यूज करें, ज्यादा लिखने में कोई अच्छा नहीं होता। देखिए, अब देखो सवाल, यहां पर ये मेरे पास सवाल है कि ये मेरे पास ग्राफ है, ध्यान से सुनना, ये धनात्मक अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष है, और इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्षैतिज बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना, क्षैतिज बोलते हैं। और ये जो वाई अक्ष होता है मेरे पास, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना, ये क्षैतिज हो गया और ये ऊर्ध्वाधर हो गया है। अब ग्राफ में आपको क्या पूछता है, कहां से क्या सवाल आते हैं, कैसे समझना है, ये देखो। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आप भाई 3 और -5 को
अंकित कीजिए, कहां अंकित करोगे? तो पहले किसका मान आएगा? x का मान आएगा, और बाद में किसका आएगा? y का। तो x का मान कितना बेटा? 3 है, ये रहा, और y का मान -5। तो नीचे आओगे या ऊपर जाओगे? नीचे आओगे ना, तो इसके सामने आ गया, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा? 3 और 5, यानी ये बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा 3 और -5। तो ये पी बिंदु हो गया 3 -5। ठीक है, कुछ अपने को थोड़ा सा समझना है ताकि तब जाके आपको याद आएगा, फिर अपन 4.3 इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि ये निर्देशांक कैसे आपको अंकित किए जाते हैं। तो अब देखिए आगे सवाल है, ध्यान से देखना। जैसे अगर प्रश्नमाला 4.3 स्टार्ट करें, तो प्रश्नमाला 4.3 में क्या पूछ रहा है वो अच्छे से देखना कि दो चरों वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो देखो x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 4। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको समीकरण दे रखा है ना, x प्लस वाई बराबर 4, यहां पर आप y का कुछ भी मान रखिए, रखोगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो ये मान रखते रखते आप यहां पर इसको निर्देशांक कीजिए, तो दर्शाना है। तो मैं देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ये मूल बिंदु था ना मेरे पास, ठीक है। अब आता है जो सवाल आपको दे रखा है उसको हल करते हैं। देखिए बेटा, x प्लस वाई बराबर 4 है, इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, तब जाके अपन इसको हल कर सकेंगे। तो पहले आप क्या करोगे कि इसमें माना समीकरण नंबर 1 है, अब इसमें आप y की जगह आप 0 रख सकते हो, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो मैं y बराबर 0 रखने जा रहा हूं, तो देखो x प्लस 0 बराबर 4, और x की वैल्यू आ गई बेटा 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। आया ना अच्छे से समझ में? देखो x प्लस वाई बराबर 4 है, y की जगह मेरे को रखना है बेटा 0, रख दिया 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 0 बराबर 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है? 4 आ गई। तो याद रखना, जब भी आप ग्राफ बनाने जाओ तो केवल एक ही वैल्यू से कोई मतलब नहीं निकलता, कम से कम अपने को 3 मान निकालने आवश्यक होते हैं। तो पहली वैल्यू मैंने आपको कंप्लीट कर दी कि y का मान 0 रखने पर x का मान कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलते हैं, y की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूं, y बराबर 1 रखने पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x प्लस 1 बराबर 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 = 3। अब ये मत सोचना कि मैंने ये वैल्यूज अलग अलग डब्बे में क्यों रख रहा हूं, यहां पर ये आ नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको पहले ग्राफ लिख दिया है। अब उस ग्राफ में पहले तो अपने को अलग ही करना है ये, कभी आप पहले ग्राफ बनाओ और अलग अलग डिब्बों में इनको करने लग जाओ। यहां पर देखो मेरे पास जगह की वजह से मैं यहां कर रहा हूं, कभी देखो। अब मैं तीसरा मान रखता हूं, 2 मान कंप्लीट हो गए। तीसरा है मेरे पास y की जगह, मान लो मैं 2 रख देता हूं, y की जगह क्या रख देता हूं बेटा? 2, तो 2 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 2 = 2 आ जाएगी, ओके। और y का मान यदि आप 3 रख देते हो, y का मान क्या रखते हो यहां पर? 3, तो 3 इधर जाएगा, x बराबर 4 - 3 = 1 आपका आंसर है आ जाएगा। तो आपके पास 4 वैल्यूज आपको पकड़ में आ गई। कैसी कैसी है ये मैं आपको यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना। माना ये मेरे पास टेबल है, आप देखना इसको अच्छे से। देखो पहले मैं इसको बना ही देता हूं, क्या क्या है मेरे पास? x की वैल्यू देखो, ऐसे टेबल बनती है बेटा, ध्यान से देखना। ये मेरा मान रहा x और y, 3 मान निकाले मैंने। तो देखो पहले में x का मान कितना आया? 4, उसके बाद 3 आया। पहले में x का मान 4 आया, उसके बाद 3 आया, और उसके बाद कितना है मेरे पास? 2 आया, ठीक है बेटा। 3 मान मैंने निकाल लिए, लेकिन यहां पर मैंने 4 निकाल लिया ना, तो 4 से कोई मतलब नहीं है, हम केवल 3 ही मान निकालेंगे, 3 मान से अपना आंसर है आ जाएगा। तो देखो x का मान ध्यान से देखना बेटा, पहला क्या आया? 4 आया, वो किसके रखने पर आया? y 0 रखने पर आया, ओके। और x का मान 3 आया, तो वो किसके रखने पर? y का मान 1 रखने पर आया। x का मान कितना आया? 2, y का मान कितने रखने पर? 2 रखने पर। ऐड करके देखो, क्या x प्लस वाई बराबर 4 है ना, तो क्या अपन जोड़ेंगे सबको? 4 ही आ रहा है क्या?
4 0 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, आ रहा है ना। तो आप कुछ भी मान रख सकते हैं यहां पर, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो कभी आप इन्हीं को रट के चले जाओ और यही करके आ जाओ। आप स्वतंत्र हैं, आप मान रखने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ भी माने रख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ एक पूर्णांक संख्याओं का युग्म है। तो पूर्णांक संख्याओं का जैसे यहां देखो प्लस की आ रही है और इधर माइनस की आ रही है, और यही तो कहलाती है पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक, तो आप यहां पर कुछ भी संख्या रख सकते हैं। बस यहां पर अपरिमेय संख्या मत रख देना, फिर आपको पैमाना भी अपरिमेय लेना पड़ जाएगा। ओके, तो देखो ध्यान से इस सारणी को अपने इसमें व्यवस्थित करते हैं, बहुत अच्छे से समझना। देखिए सारणी मेरे पास क्या आ गई, अब देखो अब यहां पर इस डब्बे में वैल्यू जाएंगी सारी है, तो इसलिए मैं इसको यहां उतार देता हूं अलग से। ध्यान से देखो, x का मान भी प्लस का, y भी प्लस का, x प्लस y प्लस, x प्लस y प्लस, सारे प्लस प्लस के हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस के आते हैं, दूसरे में प्लस माइनस, सॉरी दूसरे में माइनस प्लस, और तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। तो मैं इसको एक बार इधर उतार देता हूं, फिर अपन उसमें मान करेंगे। क्या है मेरे पास सारणी बताना बेटा, सारणी है मेरे पास कि x की वैल्यू 4 पे 0 और 3 पे 1 और 2 पे 2 है, ठीक है। अब इसको अपन यहां अंकित करते हैं, क्या आंसर आता है ये देखते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफ बनता कैसे है। तो अब तक तो अब आपने ग्राफ बना लिया, अब से पहले आपने क्या किया, सारे मान रख रख के देखे हैं। आपको वहां पर काटना नहीं है, उसको रफ कॉपी में नहीं करना है। जब आप सॉल्यूशन करने जाओ तो पहले आपको वो मान वैल्यूज रख रख के आपको मान निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप ग्राफ बनाना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब बताइए एक्स का मान कितना है बेटा, 4 है। एक्स का मान कितना है, 4 है, और वाई का मान 0। पहले किसका मान आता है, एक्स का। आ जाओ x के पास, ये अपने x के पास आके बैठ गए, आगे ना। अब y का मान कितना बेटा, 0। अब बताओ ऊपर जाएं नीचे जाएं, तो आप कहोगे ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, यहीं बैठना, क्योंकि देखो जहां पर बैठे हैं अपन वो y के लिए क्या है, 0, क्योंकि जा ही नहीं सकते अपन। तो ये आपका हो गया x का मान 0 और y का मान, सॉरी x का मान 4 और y का मान 0। अब देखो x का मान कितना बेटा, 3 है, और y का मान 1। x का मान 3 और y का मान 1, यहां चढ़ गया थोड़ा सा, ये मेरे पास यहां चला गया। x का मान कितना है, 2, y का मान 2, ये यहां पर आ गया एक और। तो तीनों को मिला दो बेटा, ये तीनों को मैंने मिला दिया, तो ये आपके पास ग्राफ हल हो गया। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा करके दिखा सकते हैं, ताकि मान लो आपने ग्राफ यदि बड़ा बनाया है और वो छोटा सा आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप उसको लाइन खींच के थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो बताओ आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखो क्या लिखा कि ये मेरे पास सवाल था, उस सवाल से मैंने क्या बना ली टेबल। सवाल क्या था बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मान रख रख के मैंने टेबल तैयार कर ली है। टेबल तैयार के बाद ये मेरे पास ग्राफ आ गया, और यहां पर लिखते हैं देखो पैमाना, यहां पर क्या लिखते हैं बेटा पैमाना, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, क्या होती है बेटा एक इकाई, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ठीक है बेटा। ये आपके सामने ये हो गया कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितनी इकाई होती है, एक इकाई, क्योंकि देखो इकाई का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपने x अक्ष पर कितने का अंतर लिया और y अक्ष पर कितने कितने का अंतर लिया, तो सभी जगह हमने तो एक एक का अंतर लिया है। तो ये थोड़ी का हो गया यहां पर कि ये माइनस का, तो माइनस का एक अंतर लेंगे क्या, अंतर तो एक का ही आ रहा है ना, माइनस एक से माइनस दो जाओगे, अंतर कितने का आ रहा है, एक का ही अंतर आ रहा है, ना कि माइनस एक का, ठीक है। तो माइनस एक का अंतर नहीं आएगा, अंतर हमेशा समान ही मिलेगा, जो इधर है जो इधर रहेगा, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं आगे। हाँ ये कर सकते हो आप, सुनो जैसे आपने x अक्ष पे तो लिया एक एक का अंतर, तो इधर एक एक का अंतर है ना, इधर भी एक एक का रहेगा, और यदि y पे आप अंतर दो दो का लेना चाहते हो तो आप y पे अंतर दो दो का ले सकते हैं, इधर भी फिर आपको दो दो का ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहां क्या लिख दोगे कि x अक्ष पर तो एक इकाई और y अक्ष पर कितना इकाई बेटा, दो इकाई, ठीक है। यहां तक आपको ये पहला सवाल कंप्लीट
हो गया है। अब चलते हैं आगे, देखो जैसे आपको दूसरा सवाल दे रखा है x माइनस वाई बराबर दो, एक्स माइनस वाई बराबर दो, अब आप निकाल सकते हैं तुरंत। देखो मैं टेबल तैयार करके आपको जल्दी से बताता हूं, देखो आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखना। यदि आप y की वैल्यू जीरो रखते हो बेटा, क्या रखते हो जीरो, तो x का मान क्या बच जाएगा दो। यदि y का मान एक रखते हो तो एक इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा तीन। y का मान एक रखते हो तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा तीन हो जाएगा। यदि y का मान आप ये दो रखते हो, क्या रखते हो बेटा दो, तो दो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी चार आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा चार। अब इन वैल्यूज को आप यहां पर रख सकते हैं, कैसे देखो ध्यान से, ये पहले सवाल का हो गया ना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं, देखो x का मान कितना है दो, y का मान जीरो, x का मान दो y का मान जीरो, यही रुक जाइए, और ये हो गया बेटा दो कोमा जीरो। x का मान तीन y का मान एक, x का मान तीन y का मान एक, थोड़ा ऊपर चले जाइए और ये हो गया तीन एक, ओके। x का मान चार y का मान दो, x का मान चार y का मान दो, और ऊपर चले जाइए, देखो ये भी हो गया। अब आप इसको इधर लाइने खींच दीजिए, बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ क्या? आपके सामने जो ग्राफ आया था, जो सवाल आया था, उससे मैंने एक टेबल तैयार कर ली, और टेबल तैयार करके मैंने अच्छे से एक छोटा सा ग्राफ बना दिया। यहाँ पर मैंने कहीं पर परिवर्तन नहीं किया, तो पैमाने में भी परिवर्तन नहीं होगा। ये सवाल अपने छोटे छोटे सवाल ऐसे आते हैं, ऐसे आपको हल करने होंगे। मान लो अगला सवाल आपको दे दिया कि y इज इक्वल टू थ्री एक्स, y इज इक्वल टू 3x दे दिया बेटा, तो यहां पर भी घबराने की बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो मान रखिए। अब देखो एक बात आपको नहीं बताता हूं कि अब तक आप y का मान पहले रखते आ रहे हैं, अब आप कहो कि हम तो x का मान भी पहले रख सकते हैं ना, तो आप रख सकते हैं। इस सवाल में मैंने आपको पहले ही बताया आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखो x का मान यदि आप जीरो रख रहे हैं बेटा, x का मान यदि जीरो रख रहे हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 30, बिल्कुल गलत। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में, यहां पर हम जीरो रख के और इसको क्या समझ लेते हैं 30 समझ लेते हैं, तो ये अपना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3x तो है, लेकिन ये 3 गुणा x ज्यादा उचित है, ठीक है। इसका असली मान क्या है 3 गुणा में x। तो यहां पर देखो मेरे बच्चा, x की जगह आप 0 रखने जा रहे हो, तो 3 को 0 से करोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप x का मान 1 रखने जा रहे हो बेटा, तो y का मान कितना होगा बेटा 3 होगा। x का मान 2 रखने जा रहे हो तो y की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप इस ग्राफ में आसानी से बना सकते हो, तो कैसे बना सकते हैं वो देखिए इधर ध्यान से देखना। और ये आवश्यक नहीं है, अब तक हमने जितनी भी सारणी पढ़ी है सारी प्लस ही प्लस की आ रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मान रख लिया करो जिसमें माइनस की भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो देखो यहां पर अपन इसको हल करते हैं, x का मान 0, y का मान 0, ठीक है। तो दोनों यहीं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाना इन दोनों को, दोनों यहीं के बैठे हैं, किसी ने नहीं बुलाया, 0 0, यानी कि अभी कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो, ठीक है। अब आ जाओ, x का मान 1 है तो y का मान 3 है, x का मान 1 है तो y का मान 3 है, ठीक है बेटा। ये आ गया अपने सामने, x का मान 1 है तो y का मान 3 है, x का मान 2 है तो y का मान 6 है, x का मान 2 है तो y का मान 6, और ऊपर लिख देते हैं, ये लो बेटा अपने क्या दिक्कत आ रही है, ये अपन ने एक रेखा खींच दी, ठीक है। ये हो गया 2 और 6, ये रेखा मेरी तैयार हो गई है, ठीक है। बताओ क्या प्रॉब्लम आई, बहुत ही अच्छा सवाल था अपना पहला, कि आपको क्या करना था बेटा, इन सबको ग्राफ में हल करना था, आलेख खींचना था, खींच दिया अपने। अब इसका अगला सवाल दे रखा है कि बिंदु 2 14 से जाने वाली, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो ध्यान से देखना,
जैसे अब यहाँ पर आप x का मान 2 प्राप्त कर रहे हो और y का मान 14 प्राप्त कर रहे हो, यानी x का मान 2 और y का मान 14 आप प्राप्त कर रहे हो, तो आप ऐसी समीकरण बनाइए जिससे आपके सामने ये मान आपको प्राप्त हो जाए। देखो कैसे, मैं यदि लिखता हूं, ध्यान से देखना, x का मान 2 और y का मान 14 हो गया। अब 14 ने आप 2 का भाग दो, पहले 7 बार जा रहा है ना, तो आप सीधा बात मतलब ये है कि आपके सामने कोई इक्वेशन आ जाएगी 7x प्लस y बराबर 0 कर सकते हैं आप। क्या होगा कि यदि आप y का मान 14 रख रहे हैं ना, तो माइनस करो, यहां पर माइनस करेंगे तो देखो y का मान 14 रख रहे हैं, रख देंगे ना यहाँ पर, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास है? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण आपके पास आ गई। अब ये पूछा कि इससे कितनी रेखाएं आप खींची जा सकती हो, रेखाओं का तो देखो कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर भी कितने ही मान रख सकते हैं, आपकी सारणी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि यहां पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं, रखते जाओ x का मान प्राप्त होता जाएगा। लेकिन अपन यहां रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए केवल 3 पॉइंट अपने पास आ गए तो अपना काम पूरा हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए आपके सामने आ गया 7x - y = 0, 7x - y = 0 ये आपके सामने आ गया। अब यहां पर आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 14 और 2 ही आएगा आंसर, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं यहां पे खींच सकते हैं। ठीक है बेटा, यह आपका प्रश्न संख्या 2 हो गया है। अब अपन चलते हैं आगे, देखो ध्यान से देखना, ये तो हो गया मेरा पहला और दूसरा ग्राफ का सवाल। अब जैसे जैसे आपको सवाल पूछ रहे हैं वैसे वैसे अपन सवाल को हल करते जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझना, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सवाल है सारे ये। अब तक तो सारणी बनाने के थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। पहले बनेगी सारणी, उसके बाद बनेगा क्या बेटा? ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बिल्कुल अच्छे से बनाना, पैमाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जिस ग्राफ में यदि आप पैमाना नहीं उतारते, जिस ग्राफ में आप यदि पैमाना नहीं लिखते, तो इसका मतलब वो सवाल आपका कहीं ना कहीं गलत हो रखा है। ठीक है, तो पैमाना उतारना आपको अति आवश्यक रहेगा। अब चलते हैं, दे रखा है यदि बिंदु 3-4 समीकरण, यदि बिंदु 3-4, देखो बिंदु आपको दे रखा है 3-4 और समीकरण आपको दे रखा है बेटा समीकरण कितना दे रखा है? 3y = 3y = ax + 7 ये आपको दे रखा है। बहुत ही सिंपल सवाल है कि पर आलेख स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, पहला मान होता है x का और दूसरा मान होता है किसका? y का। तो यहां रख दीजिए 3 × y = 4 + a × x = 3 + 7 4 × 3 = 12 12 में से 7 जाएंगे, इधर बचेगा 3a, इधर बच गया 5, a की वैल्यू आ गई बेटा 5/3, ये आपका आंसर आपको प्राप्त है हो गया है। बताओ क्या दिक्कत है आपके सामने? यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा सवाल था, यह आपके सामने हल हो गया। अब चलते हैं आगे, देखो ध्यान से सवाल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान से देखना। एक नगर में एक टैक्सी का किराया, देखो ध्यान से देखो सवाल की लैंग्वेज समझना और इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। गत वर्ष की बात करें तो कक्षा 10वीं आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया इसमें फिक्स दे रखा है, पहले किलोमीटर का किराया बेटा क्या है? फिक्स है, 8 रुपए है। ठीक है, और आगे दे रखा है, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपके पास किराया कितना रहेगा? 5 रुपए है। यदि आपने दूरी तय की करी x किलोमीटर और किराया टोटल हो गया y रुपए, तो इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही लॉजिकली सवाल है, ध्यान से देखना कि देखो फिक्स किराया है, टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए, आप पहले किलोमीटर के लिए बैठ रहे हो, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा? x रुपए है, 8 रुपए दे रखा है। ठीक है,
पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रखा बेटा? 8 रुपये। और प्रत्येक किलोमीटर के लिए फिर बाद में आप जितना भी जाओगे उसके हिसाब से रुपये लगता है बेटा, 5 रुपये। अब आप मानो, देखो ध्यान से देखना, एक टैक्सी है उसमें आप यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, आप बैठते हो, आपने केवल 1 किलोमीटर की दूरी तय करी है अभी, तो फिर शुरू के 1 किलोमीटर में तो आपका रुपये लग गया कितना? 8 रुपये। फिर आप जितना ज्यादा जाओगे हर किलोमीटर के 5 रुपये ऐड होते जाएंगे। मान लिया आप टोटल 15 किलोमीटर की आपने दूरी तय करी है बेटा, तो उसमें पहला 1 किलोमीटर यानी उस 1 किलोमीटर के लिए तो आपके पास ले लेगा कितना रुपये? 8 रुपये लेगा। बाकी बचा 14 किलोमीटर, वो 14 किलोमीटर के रुपये लेगा किसके हिसाब से? 5 के हिसाब से। कितना रुपये हो गया? 70 तो अलग और 8 अलग, तो आपके पास राशि कितनी आ जाएगी? 78 रुपये आपको किराया देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया। अब देखो लगभग आपको आधा समझ में आ गया होगा कि देखो बैठते ही उसका किराया 8 रुपये है पहले किलोमीटर का, है ना, और प्रत्येक में 5 रुपये। माना आपने यात्रा की तो कुल दूरी तय की, आपने कुल तय की गई दूरी कितनी है बेटा? x किलोमीटर है, आपने x किलोमीटर की दूरी तय करी है, करिए ना। अब देखिए, अब मैं आपको, देखो ये आपको मैं भी उदाहरण समझाऊं, इसी से आप सवाल हल कर देखो पूरा। आपने 15 किलोमीटर यात्रा की है टोटल, ठीक है, 15 में से 1 किलोमीटर शुरू का वो 8 रुपये लेगा, बचे कितने? 14 किलोमीटर बच गया। 14 किलोमीटर में प्रत्येक के लिए कितना लेगा? 5 रुपये। तो 14×5=70 तो अलग लग गया, 8 अलग लग गया, बराबर 78। कैसे प्राप्त हुआ? अगर अपन इसको देखे बेटा 78 को, तो कैसे प्राप्त हो गया ध्यान से देखना, 78 में पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये तो फिक्स हो गया था, ठीक है। फिर आपने दूरी कितनी तय करी थी? टोटल 15, लेकिन आपको 15 थोड़ी लिखना है, आपको लिखना है 15 - 1 और गुणा में प्रत्येक के लिए रुपये कितना था? 5, यानी देखो तब जाएगा 78 प्राप्त होगा। 8 + 15 में से 14, 14×5=70, 70 और 8 कितना हो गया? 78 होगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो कुल तय की गई दूरी तो कितनी है? x किलोमीटर, और कुल किराया कितना हो गया? कुल किराया बराबर y रुपये। सेम इसकी तरह रख सकते हो आप। ये क्या है मेरे पास बताइए, ये क्या है? कुल किराया है ना बेटा, तो कुल किराया आपने कितना दिया? y दिया है, मैं यहां लिख देता हूं y, ठीक है। प्लस में 8 क्या है? पहले किलोमीटर का किराया, ये भी मैंने रख दिया। प्लस ये 15 - 1 क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो टोटल मैंने दूरी तय करी है कितनी बेटा? 15 किलोमीटर। किराया 15 का थोड़ी देना है मेरे को, 14 किलोमीटर का देना है, क्योंकि उसने 1 किलोमीटर का तो पहले ले भी लिया ना। तो आप बताओ कुल दूरी मेरे पास कितनी है? x किलोमीटर। तो मेरे को क्या x किलोमीटर का थोड़ी देना है? बताओ क्या करेंगे? x माइनस 1 का किराया देंगे, क्योंकि 15 - 1 किया है ना, x माइनस 1 मैंने कर दिया, गुणा में 5 आया, यानी प्रत्येक का किलोमीटर कितना है? 5 रुपया। तो गुणा में मेरे पास भी कितना आ गया बेटा? 5। सेम इसकी तरह मैंने रख दिया और ये आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगी। कैसे? y इज इक्वल टू 8 + 5 को x से गुणा करो, 5x, 5 एकम 5, देखिए ध्यान से, 5xy इधर गया, माइनस का हो गया, और 8 में से 5 गया तो प्लस का 3 बराबर है 0 आपका आंसर आ गया। ये आपके सामने समीकरण आपको प्राप्त हो गई है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो ध्यान से देखना, ये तो हो गया मेरा चौथा सवाल। अब आगे दे रखा है, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, सारे ग्राफ के सवाल है। अभी आप सारे ग्राफ आप कर सकते हैं खुद, कोई आपको हार्ड नहीं लग रहा, सारा ग्राफ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, टेबल बनाना समझा दी। तो पहले आप क्या बनाओगे बेटा? टेबल तैयार करोगे, उस टेबल के बाद आप ग्राफ बनाएंगे। अब चलते हैं आगे, देखो ये तो हो गया मेरे पास सवाल नंबर 4 कंप्लीट। अब आगे दे रखा है, जैसे आपको एक ग्राफ दे रखा है और उसमें दे रखा है, बताइए यह समीकरण किसके लिए लागू होती है, आप बताएंगे। उसके बाद देखो ये प्रश्न वाला अपनी
लास्ट सवाल है, जैसे मान लो कि कक्षा, कोई भी कक्षा है उसमें विद्यार्थी टोटल आपके पास 100 हैं, ठीक है, तब आप इसको कैसे समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर आपको कोष्ठक में दे दिया जाए कि यदि लड़कों को आप x मानते हो और लड़कियों को क्या मानते हो बेटा, y मानते हो। यहाँ पर अंशदान की बात हो रखी है सातवें क्वेश्चन में, वहां पर दे रखा है कि एक आलेख खींचिए और कुल रुपये एक्स रुपये दे रखा है, जबकि दे रखा है अंशदान एक्स रुपये और वाई रुपये आप मान सकते हैं। तो देखो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 100। ये समीकरण आप बना करें और आप रेखीय आलेख खींच सकते हैं। तो ये आपका समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब इसके आगे चलते हैं। देखो बेटा ये प्रश्न वाला मेरी 4.3 समाप्त है, इसका आठवां सवाल देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपको एक दे रखा है रेखीय समीकरण f इज इक्वल टू साइंस का है देखो थोड़ा सा 9/5 और ये सेल्सियस प्लस 32, ये फारेनहाइट है, ये फारेनहाइट है सेल्सियस, और 9/5 प्लस में 32 आ गया। इसने क्या क्या पूछा है, पहले तो आपको रेखीय आलेख यानी आप मान रख के आप f का मान निकालिए। जैसे आपने c का मान 0 रखा बेटा, 0 रखा तो ये भी पूरा 0, f का मान 32 आ जाएगा। ऐसे आप मान रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई बटन में भी आ सकता है, कोई दशमलव भी आ सकता है, तो दशमलव में आएगा उसको आपको बटन में ही करना है, दशमलव में आपको नहीं लाना है, ठीक है। अब इसको आंसर देते हैं। देखो पहला आपको दूसरा सवाल इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट का मान बताइए। फारेनहाइट को एफ बोलते हैं, फारेनहाइट का मान बताइए। तो बेटा ध्यान से देखो, यार रख दीजिए एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी की जगह 30 प्लस 32 और ये कट गया मेरे बेटा, 5 × 5, 5 × 30, 9 × 54 प्लस में 32 आ गया, ये कितना आ गया 86, ये आपके पास आ गया फारेनहाइट का मान आ गया। ऐसे आप इनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है, क्या दे रखा है 95 डिग्री फारेनहाइट आपको तापमान दे रखा है, तो बेटा कुछ नहीं करना 95 यहां रख दीजिए और 95 में 32 घटाइए, 95 में 32 गया तो बेटा बचता है 5 × 2 = 3 63 और ये आ गया इक्वल में मेरे पास क्या आ गया 63 इज इक्वल टू 9/5 सी। 5 को इधर गुणा कीजिए 63 × 5 और बटे में 9 कर दीजिए 9 × 7 = 63 7 × 5 = 35 सी का मान आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास मान आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये सेल्सियस हो गया। और आगे दे रखा है यदि तापमान 0 डिग्री है तो फारेनहाइट का मान कितना होगा, ये फिक्स बात है ध्यान से सुन लेना, यदि तापमान 0 है तो फारेनहाइट का मान हो जाएगा 32 डिग्री, क्योंकि तापमान 0 सेल्सियस, देखो ध्यान से दे रखा है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो सेल्सियस क्या रख देंगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो एफ का मान क्या जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, तापमान क्या जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। अब चलते हैं आगे प्रश्न वाला 4.4 की तरफ। इसने दे रखा है कि एक चर वाला और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप निरूपण कीजिए। देखो ध्यान से देखना क्या दे रखा है, आपको एक समीकरण दे रखा है y बराबर 3 दे रखा है बेटा, इसी को आप ग्राफ में बनाओगे, पहले एक चर वाला और दूसरा दो चर वाला, ठीक है बेटा, तो y का मान आप 3 रखने जा रहे हैं, तो देखो y का मान 3 रखना बेटा, ठीक है, एक चर के लिए तो आपको क्या करना है, एक चर का समीकरण, एक चर का ग्राफ आप बनाओगे, तो याद रखना बेटा एक चर का मतलब x और y में एक ही आएगा ना, तो ये एक चर का खुद ही है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने क्या लिया है एक चर का ग्राफ आपको बनाना है, एक चर का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण का मतलब होता है बेटा ग्राफीय निरूपण, क्या होता है ग्राफीय निरूपण, यानी आपको ग्राफ बनाना है, तो देखो छोटा सा ग्राफ मैं यहां बनाता हूं आपके सामने, बहुत ही सिंपल है, ये 0 1 2 3 1 2 3 और ये माइनस है -2 -3 और ये हो गया मेरे पास
अब बताओ y का मान 3 है तो x का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। x का मान 0 है तो y का मान 3, यानी यहां आके आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास एक चर वाला ग्राफ। ओके, अब ये पूछ रहा है कि भाई दो चर वाला बनाइए। कौन सा बनाइए? दो चर वाला ग्राफ। ठीक है, तो दो चर का मतलब होता है बेटा कि यहां पर x भी उपस्थित होगा और y भी उपस्थित होगा। तो ध्यान से देखिए, यदि आप y का मान 3 लेते हैं तो आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, बढ़ा दिया, तो आप y का मान 3 लेते हैं तो x का मान -1 भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 3, कुछ भी मान हो सकता है आपके पास। ठीक है, अगर आपको दो चर की बात करवाता है तो आप यहां पर अनंत मान यहां पर निकाल सकते हैं। तो मान लिया x प्लस y बराबर, मानो मैंने 0 रख दिया तो y की वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? -3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यदि मैं y की वैल्यू 3 रखता हूं, यह भी तो हो सकता है ग्राफ कि y की वैल्यू 3 और x का मान -1 हो गया। यह हो सकता है x का मान 1 और y का मान 3 हो गया। कुछ भी मान आपको प्राप्त हो सकता है। यह होता है बेटा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है आपको कि अगला है एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाइए। जैसे आपको दे रखा है 2x प्लस y बराबर 9, 2x प्लस y बराबर 9 आपको दे रखा है। ये कैसे बनाओगे बताइए बेटा ध्यान से। यानी कि या मैं इन दोनों में से किसी एक को जीरो कर देता हूं बेटा, इन दोनों में से मैं किसी एक को जीरो कर देता हूं तो ये आपके सामने एक चर वाला रैखिक समीकरण, सॉरी एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण आ जाएगा। जैसे आपको दे रखा है 2x प्लस y बराबर 9, मान लिया मैं x वाले पोर्शन को जीरो कर देता हूं, जीरो कर दिया ये खत्म, तो y का मान क्या आ गया बेटा? 0, 9 आ गया। y का मान कितना आ गया? 9। तो ये तो कहलाएगा मेरे पास क्या? एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, क्योंकि एक चर ही आ रहा है, x का मान कुछ है ही नहीं। अब मैं यदि x का मान यहां पर कुछ भी रख देता हूं, मान लो 2 1 रख दिया तो 2 × 1 प्लस वाई बराबर 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 2 y बराबर 7। तो ये हो गया दो चर वाला ज्यामितीय निरूपण आपके सामने हो गया है। तो बेटा देखो ये है अपनी प्रश्न वाला 4.4 पूरी यहाँ पर समाप्त होती है। तो देखो बेटा आज की वीडियो में हमारे पास प्रश्न वाला 4 समाप्त होती हुई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मैकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।